जिंदाबाद 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 छत्र रंगरा जिंदाबाद 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 बीएसएन चुनती तुम्हारा आपका नाम बोलेंगे गिरीश चंद्रपुर शेट जो आज हुआ था जो बीसीट में हुआ सब स्टूडेंट लोग आए हैं आप लोग आए हैं जी तो एनएससीओ से इसके बारे में बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ था। सर प्रॉब्लम ये हुआ है कि कल सुबह क्या हुआ है कि वहाँ पे बीएसएससीओटी में कुछ जो छात्रा और छात्राएं हैं वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स लोग को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वहाँ का जो प्रशासन है कॉलेज प्रशासन वो लोग पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो लोग जो जिनका पॉजिटिव निकला है उनको बिना मतलब क्वारंटाइन में रखे उनका कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उनको जो अभी मतलब पॉजिटिव नहीं है मतलब कोरोना नेगेटिव है उनके साथ घूमना पड़ रहा है उनके साथ पढ़ना पड़ रहा है और उनके साथ एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो हम लोग का मांग ये है कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए और हमारे जो हॉस्टल्स को सैनिटाइज किया जाए। और कल क्या हुआ है कि जो भी हम जब एक शांतिप्रिय तरीके से एक तो प्रदर्शन कर रहे थे हमारे कॉलेज के पास तो क्या हुआ वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने हम पे जाती की और हमारे कॉलर्स पकड़े हमको गाली दिया गया और सिर्फ हम पे नहीं लड़कों पे नहीं और लड़कियों पे भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। तो इसके लिए हम कलेक्टर सर से मिलने आए हैं उनको एक मेमोरेंडम देने कि हमारे से ये सब हुआ है और कृपया इस पर ध्यान दीजिए। क्या बोलेंगे जो आज आए हैं छात्र लोगों को सपोर्ट बस हम इनका साथ में सपोर्ट में हमेशा हैं और हमेशा देते रहेंगे इनका सपोर्ट करते रहेंगे। कल जो लड़की पे असॉल्ट हुआ है उनमें से एक लड़की ने अपना ये लेटर भी लिख के दिया है उसका वॉइस नोट दिया उसके साथ क्या क्या हुआ है क्या जाती उसके हुआ है उसके साथ उसने वो वॉइस नोट में बोला गया है और ये उसका हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है। और कल एक्चुअली उसने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यस्टरडे व्हेन वी पीसफुली वेंट टू द कॉलेज फॉर डिस्कशंस रिगार्डिंग द राइजिंग कोविड केसेस इन आवर हॉल ऑफ रेसिडेंसेस सडनली एवरीवन स्टार्टेड रनिंग एंड एटमॉस्फेयर वाज पैनिक हेंस आई वाज फाइंडिंग माय वे आउट टू रन आउट ड्यू टू द फियर कॉज्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज प्रेजेंट देयर As I was suffering from fever, I saw college authorities physically assaulting the girls and boys, which made a chaotic environment. तो आप देख सकते हैं कि लड़की ने क्या फील किया है असॉल्ट उसने अपने सामने देखा है और उसके साथ असॉल्ट हुआ भी है। और कृपया हमारा जो आप ये सबको बताना चाहता हूँ कि आज अभी इस वक्त तक हमारे VSSUT में करीबन 7 से 8 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। तो हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं VSSUT के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसको कंटेनमेंट जोन किया जाए क्योंकि आज 7 या 8 केसेस हैं इसको बढ़ते हुए कम से कम 70 या 80 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस हमारी ये मांग है। ठीक।